और जिले ऐसे हैं जहां पर पानी जमा हो गया है। कहीं सड़कें पानी में डूबी तो कहीं पूरा मोहल्ला ही पानी में समा गया है। बारिश में किस तरह लोगों की परेशानी को बढ़ाया है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार, कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह बही गाड़ियां, हरिद्वार उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगी जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय। चलिए जोधपुर से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, जहां पर खांडा फलसा थाने के दो कांस्टेबल ट्रैप किए गए हैं। पाली एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 25,000 की राशि को लेते पकड़े गए हैं ये कांस्टेबल नरेंद्र और जयमल को इस दौरान ट्रैप किया गया है। तो दोनों की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। दोनों कांस्टेबल हैं नरेंद्र और जयमल, इनका नाम बताया जा रहा है। और पाली एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। 25,000 की राशि बताई जा रही है जो इन कांस्टेबल से पकड़ी है, और दोनों ही कांस्टेबल फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। रंजन दवे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। रंजन, पूरा मामला क्या है जिसमें इन दो कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, ये पाली एसीबी सेकंड टीम की कार्रवाई थी और ये जो कमरा नंबर 29 जो आप देख रहे हैं, ये सर्किट हाउस का जो कमरा है, इसमें इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि ट्रैप की कार्रवाई कहीं और की गई थी और उसके बाद जो अन्य कार्रवाई है और जो परिवादी से पूछताछ के साथ में साक्षी को लेकर के जिस तरह की काम किया जाता है एसीबी के द्वारा, वो इस कमरे के अंदर किया जा रहा है और इस कमरे में अभी कार्रवाई जारी है। जिस तरह की कुछ देर पहले की जो विजुअल सामने आए, जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें जो पुख्ता जानकारी के अनुसार खांडा फलसा थाना जोधपुर का है, उसके दो कांस्टेबल हैं और नरेंद्र और जयराम उनके नाम बताए गए हैं। उनको 25,000 रुपए की राशि के साथ ट्रैप किया गया है। 25,000 रुपए नकद जो है वो इनके लिए थे और जो जानकारी अभी तक सामने आई उसके अनुसार ये एक मामले को रफा दफा करने के एवज में राशि मांगी गई थी और 25,000 में इनका कहीं ना कहीं सौदा होने की बात सामने आई थी और उसके बाद 25,000 जो एक मुश्त है वो राशि यहां पकड़ी गई है और जैसे ही इसकी भनक एसीबी को मिली उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाली एसीबी सेकंड टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और कार्रवाई अभी जारी है। हालांकि प्रेस नोट और जो अन्य जो प्रोसीजर्स है वो अभी अंडर प्रोसेस है, लेकिन जो ताजा जानकारी और जो बड़े बड़े अपडेट्स निकल के सामने आया है उसके तहत इसमें है जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 25,000 रुपए के साथ में दो कांस्टेबल्स जोधपुर में ट्रैप करने की बात है। पाली एसीबी जहां तक बात की जाए तो इससे पहले ये तकरीबन 18 दिनों के अंदर ये तीसरी कार्रवाई है जिसको अंजाम दिया गया है और इससे पहले जो जैतारण के अंदर आशा कंडारा सफाई कर्मचारी को जो ट्रैप करने की कार्रवाई थी वो भी इसी टीम के द्वारा अंजाम दी गई थी। तो निश्चित तौर पर लगातार 18 दिन के अंदर ये तीसरी कार्रवाई है। कांस्टेबल्स का नाम भ्रष्टाचार इस तरीके से सामने आया था, रिश्वत लेते और कितने समय से ये यहाँ पर थे दोनों कांस्टेबल? देखिए, जो जानकारी मोटी मोटी रूप से जो निकल के सामने आई है, ये खांडा फलसा थाने में जो दर्ज मामला है उस मामले में सेटलमेंट के नाम पर कर ये राशि लेने की बात मोटे मोटे तौर पर सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में अभी प्रेस नोट जारी करने की बात जो जिन्होंने कार्रवाई की। बहुत धन्यवाद रंजन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बारिश के दिनों में झरनों नदियों के पानी से जरा संभल कर,
ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर पानी की तेज धार में एक पूरा परिवार बह गया है। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये है मौत का खौफनाक। वो पानी की धार में फंस गया। बचने की कोशिश करते रहे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। एक ही परिवार के नौ लोग पानी के तेज बहाव से जूझते रहे, लेकिन पानी की धार उन्हें अपने साथ बहाकर ले गई। देखिए कैसे एक के बाद एक ये सभी बहने लगे। देखिए इस महिला को, इसके हाथ में 4 साल का छोटा बच्चा भी था। ये सभी लोग पिकनिक मनाने लुनावला के भूसी डैम गए थे। ये लोग झरने के बीच में खड़े थे, तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। ये बाहर निकल पाते उसके पहले पानी का बहाव तेज हो गया, इतना तेज कि पैर उठाना मुश्किल हो गया। देखिए किनारे पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। पहले तो इन्होंने किनारे आने की कोशिश की, लेकिन जब इन्हें समझ आया कि किनारे पर जाना मुश्किल है, तो उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। कुछ देर तो एक दूसरे को पकड़कर पानी की धार का सामना करते रहे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। देखिए जिस महिला के हाथ में बच्चा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में गिर पड़ी। बच्चा भी माँ के साथ पानी में जा गया। उसके बाद एक एक करके सभी लोग पानी की तेज धार में बह गए। देखिए ये लोग नीचे की ओर बह रहे थे और किनारे पर खड़े लोग चीख चिल्ला रहे थे। इनमें से एक लड़की को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन बाकी लोग पानी में बह गए। शिव दुर्ग बचाव दल और नौसेना के गोताखोरों ने लापता लोगों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन छेड़ा। 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, लेकिन 2 बच्चे अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अलर्ट करने वाली है, ये तस्वीरें सावधान करने वाली है। बरसात के दिनों में नदियों और झरनों के बीच ना जाए, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, वरना ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। जब ये लोग झरने के बीच गए थे तो पानी का स्तर बेहद कम था, लेकिन अचानक चंद सेकंड में पानी का बहाव और स्तर बढ़ गया। ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए जब भी पिकनिक मनाने जाए तो सावधान रहे, जोश में होश ना खोए, पानी के बहाव से दूर रहे। ऐसे हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं और ऐसे ही तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं जिसका नतीजा जान देकर चुकाना पड़ सकता है। अमित राय, न्यूज सिटी। तो लोनावला से आई ये तस्वीरें आपके लिए एक अलर्ट है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में सावधानी आप जरूर बरतिएगा। आगे बढ़ते हैं। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की अव्यवस्था उस वक्त जाहिर हो गई जब वन एवं पर्यावरण मंत्री हेल्थ चेकअप कराने पहुंचे। जिस वक्त उनका चेकअप चल रहा था, उसी दौरान आईसीयू वार्ड में लाइट गुल हो गई। इसके बाद मोबाइल की रोशनी में उनका चेकअप किया गया। देखिए जरा रिपोर्ट। आईसीयू की बिजली गुल है और मंत्री संजय शर्मा का रूटीन चेकअप जारी है। तस्वीरें अलवर के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की हैं, जहां करीब 5 मिनट तक आईसीयू की बत्ती गुल रही, लेकिन मंत्री जी इसे अव्यवस्था नहीं मानते हैं। उनसे जब इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया, वो भी सुनिए।
ये तेज बरसात होगी तो पानी भी भरेगा, आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि निकासी होगी। आप कल चक्कर से आए थे, वो लाइट चली गई थी, मेरे में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाइट आती भी और जाती भी, लेकिन हमारे पास जनरेटर भी है और तमाम सुविधाएं जो मरीजों को मिलनी चाहिए उसमें अलग अस्पताल सक्षम है। मंत्री जी को इस बात से कतई एतराज नहीं है कि आईसीयू में 5 मिनट तक बिजली नदारद रही, लेकिन गनीमत थी कि जिस वक्त लाइट गई उस दौरान आईसीयू में वेंटिलेटर पर कोई मरीज नहीं था। ये तो बात हुई बिजली की, लेकिन अब जरा अस्पताल में भरे इस पानी को देखिए। बारिश के बाद अस्पताल में तालाब बना हुआ है। मंत्री जी से जब इस बाबत जवाब मांगा गया तो उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। मेरे भैया तेज बरसात होगी तो छत पे पानी भी भरेगा, लेकिन निकासी के पूर्ण व्यवस्था जिला चिकित्सालय के अंदर है। बिजली हो या फिर अस्पताल में पानी भरने का मुद्दा, वन मंत्री अव्यवस्था पर सफाई देते नजर आए। अब सवाल यह है कि अगर अस्पताल में बिजली और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था है तो वो नजर क्यों नहीं आई? 5 मिनट तक बिजली गुल रही, फिर जनरेटर तुरंत ऑन क्यों नहीं किया गया? और अगर निकासी की समुचित व्यवस्था है तो अस्पताल के बाहर तालाब क्यों बना हुआ है? अलवर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। बांसवाड़ा पुलिस ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 13 नवंबर 2022 को दो पारियों में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। दोनों पारियों से एक घंटा पहले संपर्क में आए अभ्यर्थियों से दलालों ने लाखों रुपए लेकर पेपर हल करवाया था। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा खुलासा, परीक्षा से 2 घंटे पहले पेपर हुआ लीक, दलालों के जरिए मोबाइल पर कराया सॉल्व, हर कैंडिडेट की रकम रखी 8 लाख रुपए। इन दिनों पेपर लीक को लेकर सत्ता से लेकर सड़क तक संग्राम मचा है। रीट और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले का खुलासा होने के बाद अब सामने आया है कि बांसवाड़ा में वन रक्षक भर्ती की परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक हुआ था। आरोप के मुताबिक दलालों ने परीक्षा की दोनों पारियों से 1 घंटा पहले संपर्क में आए अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर पेपर हल करवाया था। इस मामले में पुलिस ने राजतालाब थाना पुलिस ने 2 दलालों समेत 15 अभ्यर्थियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। पेपर लीक वाला प्रकरण अभी दर्ज हुआ है जिसमें अनुसंधान शुरू किया गया है, कुछ लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है, जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा गिरफ्तारियां की जाएंगी। रिपोर्ट के माने तो बांसवाड़ा की शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण मालविया ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। पुलिस ने प्रवीण मालविया को 28 जून को डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवीण ने पूछताछ में कबूल किया है कि साल 2020 में निकाली गई वन रक्षक भर्ती की परीक्षा 13 नवंबर 2022 को दो पालियों में कराई गई थी। उससे एक दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी सकन सिंह खड़िया ने वन रक्षक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से प्रति कैंडिडेट 8 लाख रुपए तय करने की बात कही थी। इसके बाद उसने अपने परिचितों को अपने घर बुलाया और अगले दिन बताए गए होटल में अभ्यर्थियों को लेकर पहुंच गया। जांच में खुलासा हुआ कि जिन कैंडिडेट्स के लिए पेपर लीक कराया गया है उनका परीक्षा में चयन भी हुआ और नियुक्ति भी मिल चुकी है। बहरहाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में और कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। बांसवाड़ा से न्यूज 18 के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी कब और कैसे हो पाएगी, ये वो सवाल है जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश में नासा समेत तमाम स्पेस साइंटिस्ट जुटे हुए हैं। हम आपको बताते हैं सुनीता विलियम्स की वापसी में क्या दिक्कतें आ रही हैं और कब तक उनकी वापसी की संभावना जताई जा रही है। देखिए जरा, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मो पिछले 3 हफ्ते से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। सुनीता इस वक्त ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची सुनीता विलियम्स को लंबे समय तक बाहर रहना पड़ सकता है। नासा ने कहा कि मिशन को 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। सुनीता की वापसी कब तक हो पाएगी ये अभी तय नहीं हो पाया है।
5 जून को सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसशिप में बैठकर आईएसएस पर पहुंची थी। उन्हें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर एक हफ्ते बिताकर वापस लौटना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में गड़बड़ी का पता लगने के बाद उनकी वापसी को 3 बार टाल दिया गया। जिस स्पेस क्राफ्ट से सुनीता गई थी उसमें 2 समस्याएं सामने आई है। पहली, स्पेस क्राफ्ट में हीलियम लीकेज हो रही है और थ्रस्टर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे। इन दोनों समस्याओं को ठीक करने की कोशिशें लगातार की जा रही है। नासा और दूसरी एजेंसियां मिलकर कई परीक्षण कर रही है ताकि विमान में जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें दूर किया जाए और सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी हो सके। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि चुनौतियों के बावजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए अंतरिक्ष में कोई खतरा नहीं है और दोनों सुरक्षित है। नासा के मुताबिक सुनीता की वापसी में देर की वजह है कि उन्हें वापस लाने के पहले स्पेस क्राफ्ट की सारी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। अगर स्पेस क्राफ्ट की खामियों को दूर करने में सफलता मिलती है तो ठीक है, वरना मिशन में और देर हो सकती है। सुनीता जब स्पेस स्टेशन पहुंची थी तो बेहद खुश थी। उनका डांस करने का वीडियो भी सामने आया था, वो बेहद खुश नजर आ रही थी। उन्होंने स्पेस स्टेशन पहुंचकर अपने साथियों को गले लगाया था। नासा के मुताबिक सुनीता का मिशन अब तक पूरी तरह सफल रहा है और कई बेहद अहम डेटा भी मिले हैं जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मददगार साबित होंगे। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि आईएसएस एक सुरक्षित स्थान है जहां सुनीता विलियम्स कई महीने तक रह सकती है, लिहाजा सुनीता विलियम्स पूरी तरह सुरक्षित है। जैसे ही उनकी वापसी को लेकर सारी तैयारी पूरी हो जाएगी वो वापस लौट आएंगी। अब देखना यह है कि आखिर अभी कितने दिन सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन में रहना पड़ेगा और कब तक उनकी वापसी संभव हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी।